मध्य प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं में जुबानी जंग जारी है। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली से आई है, जहां पर बीते दिनों कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक जीवन पटेल का एक आईडी और कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रहे थे। वायरल आईडी और वीडियो के संबंध में अब जीवन पटेल कैमरा के सामने आए हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुन लीजिए। जो वीडियो ऑडियो वायरल किया गया है, जिसमें काट छांट करके ये कहा जा रहा है कि मैं ट्रैक्टर से गोपाल भार्गव और उनके पुत्र को कुचलने की बात कर रहा हूं, वास्तव में मैं गोपाल भार्गव और उनके पुत्र के द्वारा जो दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, जबरदस्ती कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डरा धमका करके अपनी रैली में ले जाया जाता है, अपनी बात करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार चुनाव आचार संहिता की मर्यादाओं में रहकर अपनी निजी बात नहीं कर पा रहे हैं इस क्षेत्र के लोग, अत्यंत दहशत और डराया धमकाया कांग्रेस के लोगों को और आम जनता को डराया जा रहा है। इस सारी दहशतगर्दी को कुचलने की बात मैं कह रहा था, जैसे कि बड़े बड़े पत्रकार और अखबारों में बड़े बड़े नेता जब एक दूसरे की बुराई करते हैं तो पत्रकार बंधु लिखते हैं कि फला का फला पर हमला, तो हमला माने कोई क्या हथियारों से हमला थोड़ी किया जाता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के अंतर्गत चुनाव आचार संहिता की मर्यादाओं में रहते हुए यह बात कही जाती है कि हमला उनकी नीतियों पर, उनकी कुरीतियों पर, उनकी गलत नीतियों पर, उनकी इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि पंडित गोपाल भार्गव ने 38 साल में जो दहशतगर्दी फैला रखी है उसको कुचल दो। उनका बेटा तानाशाह की तरह काम कर, उनकी नीतियों को कुचल दो। ये कतई मतलब नहीं कि मैं सारे रूप से लड़ाई झगड़े की बात कर रहा हूं, लेकिन ये दुष्प्रचार उनके द्वारा यदि किया जा रहा है तो गलत है, लेकिन उनकी दहशतगर्दी को कुचला जाएगा इस चुनाव में। इस चुनाव में उनकी तमाम जो जुआ खिलाने वाली नीतियां हैं उनको कुचला जाएगा, जो सट्टा खिलाने वाली नीतियां हैं उनको कुचला जाएगा। उनके द्वारा इस क्षेत्र में भयानक बेरोजगारी फैलाई गई है, ऐसे उनके द्वारा ये लोगों को रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ता है, पलायन होता है गरीबों का, उनके द्वारा जिंदगियां छीनी जा रही, ऐसे उनको जो अधिकार मिले हुए हैं वो जनता के द्वारा वोट के कारण मिले हुए हैं, अब उनके अधिकार छीन लो वोट ना देकर के, ये कुचलने का अर्थ है। उनकी तानाशाही, उनकी ताकत को कुचल दो, जो ताकत जनता ने अपनी उंगली से दी है उस ताकत को अपनी उंगली कांग्रेस की तरफ कर दो और कुचल दो। पिछले दिनों 30 अक्टूबर को भी मैंने मंच से आचार संहिता की मर्यादाओं में रह करके तमाम इस रहली विधानसभा क्षेत्र के कर्मचारियों से आग्रह किया था, मैंने धमकाया नहीं था, अनुरोध पूर्वक अपनी तेज आवाज में कहा था, जिस तरह से मैं बोलता हूं मेरा तरीका है ये, मैं 38 साल से इस दुष्ट से लड़ रहा हूं, ये दुष्ट जो है लोगों को स्वतंत्रता छीन लिए, गुलाम बनाकर रहली विधानसभा क्षेत्र में रखना चाहता है, इस गुलामी को अब कोई स्वीकार ना करे, ये मैं अनुरोध कर रहा हूं। और तमाम शासकीय कर्मचारी से आज मैं पुनः इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आचार संहिता की मर्यादाओं में रहिए, आप जो सर्विस कर रहे हैं शासकीय सेवा में हैं, शासकीय सेवाओं के लिए गले में भाजपा का पट्टा डालकर जितने पंचायत सचिव घूम रहे हैं और जितने शासकीय नौकर घूम रहे हैं, ये गलत है, इसको बंद करिए। ये इस क्षेत्र में एक चलन चल पड़ा है, गोपाल भार्गव 38 साल से कोई
आम आदमी के मन के द्वारा दी गई वोट से नहीं जीतते, 10 से 15 हजार वोट गोपाल भार्गव जबरन लूटते हैं। अब नहीं लूटेगी जनता और ना मैं लूटने दूंगा सुरेली विधानसभा क्षेत्र के किसी भी एक पोलिंग पर एक भी वोट अनुचित रूप से पंडित गोपाल भार्गव गलत तरीके से नहीं डलवा पाएंगे। इसके लिए चाहे जान चली जाए लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए हर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और एक मतदाता अपनी जान जोखिम में भी डाल करके लड़ेगा, कांग्रेस के लिए लड़ेगा। और आदरणीय कमलनाथ जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और कांग्रेस की जो सरकार बनने वाली है उस सरकार में यदि इस तरह की कोई शासकीय सेवकों ने गड़बड़ी की तो उनको न्याय के तहत दंडित किया जाएगा, उचित तरीके से दंडित किया जाएगा। इसलिए हम चेता रहे हैं कि जो आदत बन गई है रहली विधानसभा क्षेत्र के कर्मचारियों को, उस आदत को बंद करो। ये आचार संहिता के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और तमाम जनता को अपनी इच्छा के अनुसार वोट डालने दो। यदि तुम जननायक हो तो तुम्हें वोट मिलेगी और तुम यदि खलनायक हो तो तुम्हें 8 बार के बाद अब रैली विधानसभा क्षेत्र का एक एक मतदाता तुम्हें अपनी नजरों से गिरा चुका है, तुम्हारे बेटे की चालबाजियों से गिरा चुका है। ये गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। पिछले पंचायतों के चुनाव में 40-50 गाड़ियों को लेकर के तुम किसी गांव में रैली निकालते हो तो रैली तो ठीक है, आम सभा कर रहे हो तो ठीक है, वोट मांगने के लिए तुम 50-50 गाड़ियां ले गए, ये पहली बार हुआ रैली विधानसभा क्षेत्र में। और अभी तुम 100-100 गाड़ियां ले जा रहे हो एक एक गांव को, क्या घेरने गए? क्या तुम्हें गांव लूटना है जो 50 से 100 गाड़ियां ले जाते हो? और इसी नादानी का कारण है कि तुमने हमारे प्यारे गुंजौरा के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती ले गए और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। इस बात का तुम्हें कोई खेद नहीं, तुम लालच दे रहे हो, धरा रहे हो, धमका रहे हो। ये सब पंडित गोपाल भार्गव जी और आपके पुत्र अभिषेक भार्गव जी, ये बंद कर दीजिए। इस क्षेत्र की जनता यदि उग्र हो गई तो फिर तुम्हें लेने देने पड़ जाएंगे। इसलिए लोगों को अमन चैन में रहते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत आचार संहिता की मर्यादाओं में रहकर अपनी बात को करने दीजिए, स्वतंत्रता पूर्वक अपने मन से मतदान करने दीजिए, डराइए धमकाइए नहीं। और यही मतलब मेरा वहां बैठ करके एक दुकान पर मैं ये चर्चा कर रहा था अपने लोगों से कि यहां अति कर दी है इनके, ये दुष्ट व्यवस्था को कुचल दो, ये मेरा मतलब था। ये छेड़छाड़ करके ये ऑडियो वाडियो प्रचार करना, इसका आपको कोई फायदा ही नहीं मिलेगा पंडित गोपाल भार्गव जी, अभिषेक भार्गव जी। और आपसे ये जनता अब रुष्ट हो गई है, वोट नहीं देना चाहती तो नहीं देना चाहती तो नहीं देगी। MI मोबाइल स्टोर एवं रिधिमा मोबाइल लेकर आया है सैमसंग एवं बजाज फाइनेंस सुविधा। हर कंपनी का मोबाइल आसान किस्तों पर घर ले जाएं। साथ ही दिवाली के मौके पर विशेष ऑफर उपलब्ध है। हमारा पता है MI मोबाइल स्टोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 16, रहली, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विवेक गुप्ता 93 29 78 39 22।